लोधी समाज की बैठक में लोगों ने एकजुट होकर समाज के हित में काम करने की शपथ ली। बैठक में कहा गया कि जब तक समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी ताकत दिखाई नहीं देगी। डोईवाला में लोधी समाज की बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय लोधी संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान हुआ। इस मौके पर समाज सेवी नगीना रानी ने कहा कि हम संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। वहीं लोधी समाज सेवी रामेश्वर प्रसाद लोधी ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, समाज के लोगों को शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। एक समाज को जोड़ने का काम किया गया और हम अपने समाज को शिक्षा से संबंधित जोड़ेंगे और अपने समाज को नशा मुक्त करेंगे, कोई नशे की तरफ ना जाए। तो हमारा जो लक्ष्य होगा पूरे उत्तराखंड में जितने लोधी समाज है सबको एकत्रित किया जाएगा और सबको इकट्ठा किया जाएगा, इसलिए महिला भी नहीं आ पाएगा। और जैसे कि अभी सर लोधी ने बताया आरोप जी ने कि हम अपनी महिला को जोड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे महिला मोर्चा में। जब तक हम महिला को जोड़ेंगे नहीं तब तक महिला कहाँ से मतलब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, क्योंकि उसमें महिला को अभी तक हमें जोड़ा नहीं है। और जिस चीज़ को हमने सूचना दी थी वो महिला इसलिए नहीं आएगी, पहला मौका है। बिल्कुल महिला को जोड़ने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब तक महिला आगे नहीं आएगी तब तक हमारा देश, हमारा खुद का अपना परिवार भी हम जागरूक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसलिए महिला लाना जरूरी है। 33% आरक्षण मिला है तो हम क्यों ना उसका बेनिफिट उठाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।